हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए, दोपहर का समय हो रहा है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। तो अभी जैसा कि मेरा ट्राइपॉड जो है वो टूट गया है, तो बच्चों का इंतज़ार करती हूँ। जब स्कूल से आ जाते हैं या जब भी वो घर में रहते हैं, तो ही मैं कुछ भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। जल्द ही मैं मंगा लूँगी ट्राइपॉड, क्योंकि इस्तेमाल भी नहीं कर रही थी, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था। तो इधर उधर रखने से वो जो पहले से डैमेज था ही वो, और थोड़ा सा बाद में हो गया। तो जब वीडियो बनाना मैंने बंद कर दिया था, तो ट्राइपॉड भी मैंने फेंक दिया। घर से निकाल देने के बाद बहुत पछतावा हुआ मुझे कि मैंने ट्राइपॉड क्यों फेंक दिया। और दोपहर के बज रहे हैं 2, मैंने लंच अभी नहीं किया है, बच्चों को दे दिया है और हस्बैंड को दे दिया है। वो लोग लंच कर रहे हैं, रुपेश लंच कर चुका था, तो मैंने बोला कि थोड़ा सा मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लो। रुपेश तुमने मतलब वो लंच कर चुका था, तो मैंने बोला तुम खाली हो कि तुम खाली हो गए हो तो मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दो। और घर में आटा था नहीं, तो मैंने कहा कि गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ। गेहूँ जो था वो धुल के मैंने पहले ही रख दिया था, तो बस मुझे साफ़ करना था और पीसने के लिए देना था। तो आज गेहूँ भी मैंने साफ़ कर दिया और पीसने के लिए हस्बैंड दे दिए हैं। और इतना दिन से मैं बोल रही थी कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। रात को हमारे यहाँ खूब बारिश हुई है, पर सुबह जब कतस जैसे धूप था वैसे ही निकल गया है। तो इस वजह से गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, और देखने से तो नहीं लग रहा है कि मैं भीग गई हूँ, पर पूरा मतलब पूरा जो नाइटी था वो मेरा पसीने से गीला हो गया था। तो मैंने गेहूँ साफ़ कर लिया था, फिर मैं थोड़ा सो गई थी, मतलब 3 से लेकर के 4 बजे तक मैं 1 घंटा सो गई थी। और बहुत अच्छी नींद आती है इस समय मुझे। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। छत पर से कपड़े ला दिए थे, तो मैंने सोचा कि लाओ ज्यों कहते हूँ इन्हें फोल्ड करके लगा दूँ। अगर स्किप करूँगी, रखती जाऊँगी, तो ढेर सारे कपड़े हो जाएंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और गुस्सा भी आएगा फोल्ड करने में। ये काम जो होता है मुझे बहुत गंदा लगता है। सारा काम तो मैं कर लेती हूँ, पर इस काम में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए मैं कपड़ों को रखती नहीं हूँ। जो कहते हो जितना भी कपड़ा हो वो सारा कपड़ा तुरंत के तुरंत फोल्ड करके अलमारी में लगा देती हूँ। अगर अलमारी में नहीं लगाऊंगी तो भी मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ कि इजीली बच्चों को मिल जाए, हस्बैंड को मिल जाए, मुझे ढूंढना ना पड़े। तो अभी देखिए, बिस्तर भी मुझे साफ़ करना है, और बच्चे सो के उठे थे तो बिस्तर जो है बिस्तर भी गंदा हो गया था। और ये वाला जो बेडशीट है ना वो बहुत गंदा है, कॉटन का बेडशीट नहीं है, ये कॉटन मिक्स है, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बेडशीट जो है मैंने तो इसे जब ख़रीदा था तो कॉटन ही समझा था, पर बाद में मुझे एक बार वॉश कर लिया तो पता चला कि ये कॉटन नहीं है, कॉटन मिक्स है। थोड़ा सा भी अगर इस पर बैठूँ ना तो ये तुरंत के तुरंत मुड़ जाता है। और कॉटन का जब मैं बेडशीट लगाती हूँ तो वो जैसा का तैसा दिन भर सेट रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो इसकी वजह से ये बेडशीट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो अभी मैंने बिस्तर भी सेट कर दिया है, और बारी आ गई झाड़ू लगाने की। वैसे कभी बर्तन पहले धुल लेती हूँ झाड़ू बाद में, और कभी झाड़ू लगा लेती हूँ बर्तन बाद में करती हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि आज पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। घर तो ऐसे गंदा हुआ नहीं था, दिन में 2 बार झाड़ू लगा लेती हूँ, जैसा सुबह और शाम। तो कभी कभी शाम को अगर घर साफ़ रहता है, बहुत गंदा नहीं रहता है, तो शाम को भी झाड़ू नहीं लगाती हूँ। पर आज थोड़ा सा गंदा हो गया था घर, तो इस वजह से मुझे झाड़ू लगाना पड़ा। और रुपेश बैठा हुआ है, अभी उसके सर आएंगे, वेट कर रहा है उनके आने का। तो देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मैंने मतलब पूरे घर में झाड़ू भी लगा लिया। और जब मैं गेहूं साफ़ की थी ना, तो उस समय का भी थोड़ा सा कचरा रह गया था, उसी की वजह से घर जो है आज गंदा हो गया, वरना घर साफ ही रहता है। और उठाई नहीं थी, मैं वहीं पर छोड़ दी थी कि बाद में शाम को जब लगाऊँगी तो साफ़ कर दूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी उस समय, तो बस मैंने जो जितना भी उसमें से गंदगी निकला था वहीं साइड में लगा के छोड़ दिया था। तो देखिए, झाड़ू जो है फाइनली लग गया मेरा। अब मैं आती हूँ किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन वैसे ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जब भी मैं लंच कराती हूँ हस्बैंड को या बच्चों को, तो लगे हाथ बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी आलस आ जाता है तो ही बर्तन जो है सिंक में रह जाता है। तो आज मैंने बर्तन जो है ये सबको जब लंच कराया था, तो गेहूं साफ़ करने के बाद मैंने बर्तन वॉश कर दिया था, पर थोड़ा सा रह गया है। जैसे बच्चे थोड़ा बहुत नमकीन लेके खा लेते हैं या कुछ भी,
स्नैक्स टाइप का कुछ भी लेके खाते हैं, वो सब कटोरी रह गई थी और ग्लास था, बाकी तो सब मैंने पहले ही वाश कर लिया था। और अब सिंक एरिया भी साफ़ कर दूंगी और फिर मैंने सोचा कि शाम की तैयारी कर लेती हूँ, रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, सॉरी शाम बोल दिया, रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। जैसे भिंडी तुरंत अगर धुल के काटो ना तो चिपचिपापन होता है, इसलिए मैं भिंडी को एक दो घंटे पहले ही वाश करके रख देती हूँ कि पानी, जितना भी पानी इसमें है वो सारा पानी सूख जाए, फिर उसके बाद कट करने से उतना जो है जो चिपचिपा होता है ना वो नहीं होता है भिंडी में। और आज आप लोग के साथ एक स्नैक्स मैं शेयर करूंगी। आप सभी, मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादातर हाउसवाइफ ये स्नैक्स के बारे में जानती हैं और होली पे तो सभी के घरों में ये बनता है, पर जैसे कि मैदा था घर में तो मैंने सोचा कि ख़राब हो जाएगा, उससे अच्छा कुछ बना दूंगी तो बच्चे चाय के साथ या ऐसे खा लेंगे। तो देखिए आधा किलो मैदा है, आधा किलो था पर मैंने पूरा नहीं लिया, और इसे अच्छे से छान लूँगी। अभी आप देखिएगा मैदे में कुछ भी नहीं निकलेगा क्योंकि मैदा जो था वो साफ़ ही था, जल्दी मैंने मंगाया था पर बच गया था तो रख दिया था। और अगर अभी नहीं मैं कुछ बनाती ना तो बरसात का समय चल रहा है, इसमें कीड़े पड़ जाते और सारा मैदा जो है वो ख़राब हो जाता, फेंकना पड़ता मुझे, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ यही। ऐसे मैदा भी मेरा यूज हो जाएगा और बच्चों के लिए हल्का फुल्का स्नैक्स भी बन जाएगा। तो मैदे में मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, अगर आपके पास घी हो तो आप घी भी डाल सकते हो। और ये कलौंजी है जो पचफोरन में होता है तो इसे मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूंगी। सो जितना मतलब मैदा हो उस हिसाब से आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करिएगा। और इसे अच्छे से मैं मेवन दे दूंगी, अच्छे से रगड़ रगड़ के, और मुट्ठी से मैंने चेक किया, आपको दिखाया मैंने कि मुट्ठी मैंने जब बंद किया तो मुट्ठी का आकार ले लिया, तो इससे ये पता चलता है कि मैदा जो है अच्छे से मोयन हो गया है। और सॉफ्ट आटा मुझे लगाना है, जैसे हम लोग चपाती के लिए आटा लगाते हैं ना उस तरह का आटा मुझे लगाना था। और 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पे रख दिया था इसे, फिर मैं इसकी अच्छी से मतलब बहुत बड़ी रोटी बनाऊंगी, पूरा जितना चकला होगा उतनी बड़ी रोटी बनाऊंगी। तो आप देख सकते हो पूरे चकले इतनी बड़ी मैंने रोटी बना ली है। अब फिर इसे करूँगी कट। अब आप समझ गए होंगे कि मैं मैदे की नमकीन बना रही हूँ। बहुत जगह सेवड़ा बोला जाता है, बहुत जगह नमक पारा बोला जाता है, पर हमारे यहाँ सेवड़ा ही बोला जाता है या मैदे की नमकीन। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और इस पर थोड़ा सा आटा जो है मतलब सॉरी मैदा जो है डस्ट करके इसे निकाल लूँगी, और थोड़े सा मैदा मैंने इस पर स्प्रिंकल करके थोड़ा अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दूँगी। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो मैदा है ना एक दूसरे से चपकता नहीं है और खिला खिला पूरा जो नमकीन है वो बन के आता है। तो इसी तरीके से मैंने सारे लोइयों को बेल लिया बारी बारी करके और इन्हें कट करके यहाँ से नहीं दूर से और आज मैं चक्कू से नहीं काट रही हूँ, ये जो है पिज़्ज़ा कटर है, इससे इतनी ईजली तरीके से कट जा रहा था ना, और फर्स्ट टाइम मैं इसे काट रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि होली पे भी ऐसे काटूँगी, वरना होली पे बहुत मुझे दिक्कत होती थी इसको काटने में, जब भी काटती थी तो एक दूसरे से जो है वो चपक जाता था। तभी देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई, तेल जब गर्म हो गया था तो मैंने थोड़ा थोड़ा शक्कर पारा डाल के जो एक एक बार मैंने कट किया था वो थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लिया है, फ्राई कर दिया है। और सारा फिर मैं निकाल लूँगी, सारा गोल्डन ब्राउन जब हो गया तो मैंने सारा जो नमक पारा है वो मैंने निकाल दिया है। कभी कभी मैं शक्कर पारा बोल दे रही हूँ, कभी कभी मैं नमक पारा बोल दे रही हूँ, मेरे मुँह से जो है थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है तो इसके लिए सॉरी। और अभी देखिए आधा किलो से कम मैदा मैंने लिया था और एक जो है जो तसला है वो एक तसला भर के नमकीन बन गया है। तो अब चाय के साथ हम इसे सर्व करेंगे। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी चाय के साथ नमक पारा खाने के लिए। और ये बहुत क्रिस्पी बहुत कुरकुरा बना था और बच्चे भी खाए थे अच्छे से, ये तो बच्चे लोग तो कटोरी में मतलब भर भर के खा रहे थे। मैंने बोला कि नुकसान करेगा, इतना ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, डेली खाओ पर थोड़ा थोड़ा खाओ क्योंकि ये मैदा है, नुकसान करेगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा, जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप मेरे सभी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करिए और बस यहीं तक था आज का ब्लॉग। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू।